रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी, ये एक ऐसा दोस्ताना है या एक ऐसा याराना है जो कई सालों से चलता आ रहा है, जब से वो इंडिया से खेल रहे हों, इंडिया में एक साथ खेल रहे हों या फिर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। और तब से रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो शानदार है, कमाल है, लाजवाब है। और कल भी वो बॉन्डिंग हमें देखने को मिली जब मैच खत्म हुआ और रविंद्र जडेजा ने जैसे ही वो शॉट मारा, चौका मारा, उसके बाद वो दौड़ते हुए पूरे ग्राउंड का कवर लेते हुए एमएस धोनी के पास पहुंचे और एमएस धोनी ने उन्हें उठा लिया। इमोशन थे, इमोशनल थे, एग्रेसिव थे, खुशी के आंसू थे। और एमएस धोनी ने वो जडेजा को जो हक किया वो पूरा सोशल मीडिया पर मोमेंट वायरल हो गया। और उसके बाद जब रविंद्र जडेजा ने पोस्ट मैच में उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई माही भाई के लिए ये मैं जीत डेडिकेट करना चाहता हूँ और उनके लिए हमने ये आईपीएल ट्रॉफी जीती है। तो एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा का जो याराना दोस्ताना है वो सोशल मीडिया पर तब से वायरल हो रहा है। और अब एक और चीज़ उसमें ऐड हो गई भाई, रविंद्र जडेजा का ट्वीट। रविंद्र जडेजा ने एक ट्वीट किया जहाँ पर उन्होंने लिखा कि ये जो आईपीएल ट्रॉफी जीती है वो वन एंड ओनली माही भाई के लिए जीती है। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा, माही भाई आपके लिए तो कुछ भी। साथ में फोटोज डाली है, उसमें उनकी वाइफ उनके साथ नजर आ रही है और ट्रॉफी के साथ वाइफ बीच में बैठी है ट्रॉफी के साथ, इधर जडेजा है, इधर धोनी है, फिर रविंद्र जडेजा धोनी के साथ ट्रॉफी की फोटो और वो इमोशनल मोमेंट जब एमएस धोनी ने रविंद्र जडेजा को गोद में उठा लिया था। तो ये सब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एक बार फिर से वो चीज़ जिस पर अब तक अफवाहें चल रही थी या रूमर्स चल रही थी कि क्या एमएस धोनी जडेजा के बीच सब कुछ ठीक है। पिछले साल जो कांड हुआ था कैप्टेंसी वाला 2022 वाला, वहाँ पर रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी जाती है, फिर बीच सीजन में उनसे कप्तानी छीन ली जाती है, फिर उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो जाते हैं और फिर जडेजा के ट्वीट्स ऐसे आने लगते हैं, फिर खबरें चलने लगती कि शायद जडेजा और सीएसके के मैनेजमेंट की भी सब कुछ ठीक नहीं है, फिर धोनी का इंटरफेयर होता है, धोनी उनको समझाते शायद, उसके बाद जडेजा बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और ऑल इज़ वेल, और एक बार फिर से जडेजा सीएसके की तरफ से खेलते और फाइनल जिताते हैं। और उसके पहले भी एक ट्वीट आया था जडेजा का, आपको याद होगा, उन्होंने लिखा था अपस्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच, तो उन्होंने लिखा था, फैंस को शायद ये बात समझ नहीं आती बट अपस्टॉक्स को ये पता है। तो इस तरह के ट्वीट रविंद्र जडेजा लगातार करते रहते थे, बट अब चूंकि सब कुछ मामला सॉर्ट हो गया, जडेजा सीएसके से ही खेल रहे हैं, उनके सीईओ वो भी जडेजा से बातचीत करते हुए नजर आए थे, तो पूरा जो मामला शांत हो गया। और अब जो जडेजा और धोनी की जो बॉन्डिंग है जो पहले एक बार दिखाई देती थी और कुछ समय से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही थी, बट अब जाकर वो सब कुछ ठीक हो गया है। और रविंद्र जडेजा का ये ट्वीट दर्शाता है कि वो एमएस धोनी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना उन्हें आइडियलाइज करते हैं और कितना मानते हैं जो इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया। अब आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।